आप सभी का स्वागत है करण चाचा के इस एपिसोड में आइए आज देख लेते हैं कि हम लोग अखबार से क्या पढ़ लेना चाहिए था चालू करते हैं आज का सेशन और आज हम इंडियन एक्सप्रेस एक्चुअली चालू तो किए पर वो पूरा हो ही नहीं पा रहा था समय बहुत आज द हिंदू में भी लग गया तो और सुबह एक्चुअली एक ऑफलाइन क्लास भी अब चल रही है तो आज तो शायद हमसे मिस हो गया इंडियन एक्सप्रेस पर रहेगा वो कल रहेगा या आगे आने वाले समय में रहता रहेगा तो उसके लिए मत परेशान होइएगा लगभग आप एक चीज देखेंगे कि कॉमन बहुत पेपर में तो कॉमन न्यूज आ रही है कुछ चीजें उसमें बस अलग रहती है वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे थे आज के लिए उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे आपसे आज वो इंडियन एक्सप्रेस का नहीं हो पाया आइए चालू करते हैं आज का सेशन और परिमितम वूतम अपरिमितम भव्यम और इसका मतलब है कि आपका जो हो चुका है वो बहुत लिमिटेड चीज थी वो एक चीज थी जो हो चुकी है जो होने वाली चीजें हैं वो अनलिमिटेड है तो उस पर ध्यान रखिए यू हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ वॉट यू हैव टू डू बहुत सारा आपके पास पॉसिबिलिटी रहता है वेरी गुड मॉर्निंग एवरी और उम्मीद है आप लोगों तक आवाज जा रही जा रही रही है है जल्दी से बता दीजिए तो चलिए चालू करते सेशन को जल्दी से आपको ये भी बता दें कि आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो सी सी कोड है और अगर आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ना है तो चंद्रमौली एस आई आर है कैपिटल एस आई आर आप जुड़ सकते हैं और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सब कुछ जो भी दिया जाता है वो एक पूरा पैकेज में दिया जाता है अलग से आपको कुछ भी अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है फ्लैट 50% ऑफ अभी चल रहा है और छह महीने का एक्सटेंशन अभी चल रहा है फ्लैट 50% और छह महीने का एक्सटेंशन एंड यू हैव दिस बैचेस जो आपका एक फाउंडेशन बैच है फरवरी 22 से चालू हो रहा है एक 13 से आपका इंग्लिश ऑलरेडी चालू हो चुका है तो आप जुड़ सकते हैं और हमारा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जो इंग्लिश वाला है वो फेब्रुरी तेरह से चालू हो चुका है लाइव क्लासेस हैं सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी उसमें स्टडी मटेरियल है लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल गेट देयर चलिए चालू करते हैं यूज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज आई है और मेरा जो टॉपिक है या थीम है जो हमारे पास है वो है लॉज एंड कन्वेंशन फॉर आवर एनवायरमेंट लॉज एंड कन्वेंशन फॉर आवर एनवायरमेंट ये मेरी थीम है क्या हो रहा है समझिएगा अब सुप्रीम कोर्ट और जो ब्यूरोक्रेसी उनके बीच में एक सवाल है सवाल है कि फॉरेस्ट क्या है यह सवाल पहली बार नहीं उठा है यह सवाल उठा था 1996 में गोदा वर्मन केस में गोदा वर्मन केस और इस गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फॉरेस्ट का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट ना कि बस वो फॉरेस्ट लैंड जो आपके रिकॉर्ड्स में, में बस वही फॉरेस्ट नहीं है फॉरेस्ट वो भी है जो कि आपके रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं है बस डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से वो फॉरेस्ट है तो बहुत ब्रॉड व्यू दिया था सुप्रीम कोर्ट में 1996 में गोदावर्मन केस में अब नई चीज क्या हुई समझिएगा एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास होता है और उस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से इस बार क्या किया सरकार ने क्या किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से चीजें समझिएगा उन्होंने बोला उन्होंने बोला दैट 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 दिस अमेंडमेंट दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसमें और अमेंड करके क्या कर रहे हैं कि आपने फॉरेस्ट की डेफिनेशन कम कर दी कितनी कम कर दी आपने बोला कि जो जो फॉरेस्ट और लैंड रिकॉर्डेड है जो फॉरेस्ट और लैंड रिकॉर्डेड है इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर 1980 आफ्टर 1980 बस वही फॉरेस्ट होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने क्या था? कि और रिकॉर्डेड लैंड जो आपके पेपरों में दर्ज है एज अ फॉरेस्ट रिकॉर्डेड लैंड सिर्फ वही होगी ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है ये राज्य सरकार कर रही है द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड द फॉरेस्ट और आफ्टर 1980 जो भी है बस वही है। है 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 है? अब स्वाभाविक सी बात तो 1980 के पहले का जो जो भी क्या क्या वो वो खत्म हो गया? या बाकी जिसमें दिख रहा पर नहीं है, तो क्या वो नहीं है? यही सवाल पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट एक्सप्रेशन फॉरेस्ट विल कंटिन्यू टू है टाइम बीग एंड इंक्लूड वन पॉइंट नाइन सेवन लैक स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो वन जो 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है ये भी फॉरेस्ट है क्यों क्योंकि आपको फॉरेस्ट की मीनिंग जो है वो समझनी है, है सिर्फ वही फॉरेस्ट नहीं है. की ये दिख रहा है तो ये पिटिशन आया था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बड़ा हाल में ही अमेंडमेंट हुआ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हालांकि पर इसको 2023 में लैंड के पे दर्ज है, वही मेरे लिए बस लैंड है उसी को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वेरी ब्रॉड मीनिंग ऑफ योर फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा ब्रॉड मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट और केस का नाम याद तो केस सिक्स तो का भी सेम चीज बोलता है गोदा वर्मन केस 1996 में भी बोलता है और 2024 में भी सेम चीज बोलता है द गोदा वर्मन केस आई हंड्रेड इयर्स अगो नाथ बोस चेंज द फिजिक्स फॉर बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर साइंटिस्ट टू आवर फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सत्येंद्र नाथ बोस इन्हीं के नाम पे रखा गया है बोजॉन पार्टिकल्स का नाम द बोजोन्स क्या दिया इन्होंने ने कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है समझिएगा लिख लीजिएगा आइए बोस ने क्या किया एक जर्नल में अपना रिपोर्ट सब पब्लिश करने के लिए दिया जर्नल ने उस तो रिपोर्ट को मना कर दिया कि हम नहीं छापेंगे और बोस ने फिर क्या किया प्लैंक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा इन्होंने एक लेक्चर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में ऑन द थियोरी ऑफ रेडिएशन एंड अल्ट्रा वोलेट कॉफ उस समय अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम स्टेट के ऊपर आविष्कार होने वाला था बाई ट्रीटिंग रेडिएशन एस अ गैस ऑफ फोटो जो रेडिएशन है वो गैस ऑफ फोटो है एंड यूजिंग न्यू स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर काउंटिंग द फोटोन स्टेट बोज ने एक नया डेरिवेशन दिया प्लैंक लॉ का बोज ने प्लैक्सलॉक का एक नया डेरिवेशन दे दिया तो जब इस जर्नल ने मना कर दिया कि हम नहीं छापेंगे तो बोस साहब ने आइंस्टीन को भेजा कि देखो सर ये मेरा एक बहुत इक्वेशन है जो मैंने बनाया है आइंस्टीन रिसीव्ड अ ब्रीफ पेपर ही और इमीडिएटली आइंस्टीन ने सराहा और उसको उसको चेंज करवा दिया जर्मन में भी ताकि लोग समझ सकें

आइंस्टीन साहब ले गए चलो एटम पे देखते और एटम पे जनरलाइज किया एंड गेव द थ्योरी ऑफ क्वांटम दीन्स में एक बार पूछा हुआ है कि कंडेंसेट क्या है तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और आइंस्टीन कंडेंसेट अब बनेंगे बोस साहब को बुलाया गया कि आप आइए यूरोपियन लेबोरेटरी में काम करिए और मिलकर काम किया जाए

ये सुन रियलाइज हो गया कि बोस एंशियन स्टैटिस्टिक्स बनाना पड़ेगा और वो अप्लाई होगा और एप्लीकेबल ओनली टू पार्टिकल्स विद इंटीजर स्पिन दैट डू नॉट फॉलो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो पार्टिकल्स विद इंटीजर स्पिन आर नाउ रेफर टू एज बोजॉन्स तो ऐसे तो पार्टिकल जिनका जो स्पिन था वो किसी इंटीजर में था उस इंटीजर के स्पिन के कारण हम उनको पढ़ पाते हैं बोस एंशियन स्टैटिस्टिक्स में अगर वो इंटीजर्स भी नहीं रखेंगे तो शायद हम उनको ना पढ़ पाए देखिए मगअप करना ही पड़ता है क्योंकि ये science, जिसके बहुत कोर हो, वो जानता हम लोग यूपीएससी में इतना नहीं समझ सकते तो सिंपल है कि जिस जिस भी एटम का एक स्पिन है वो स्पिन अगर इंटीजर है तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं बोजॉन की तरफ आइन स्टैटिस्टिक्स के तहत ऑन द अदर हैंड कुछ और स्टैटिस्टिक्स भी थे जो एप्लीकेबल थे विद हाफ इंटीजर जिनका हाफ इंटीजर स्पिन वो आपका बोस स्टैटिस्टिक्स से आप नहीं पढ़ सकते थे तो जिनका integer spin है आप उनको पढ़ सकते थे पर जिनका fraction उनको आप नहीं पढ़ सकते थे ये तो था बोस अगला देखिएगा तो ये जो इंटीजर स्पिन वाले जो बोजोनिक जो भी पार्टिकल है अगर मैं इनको कूल cool कर दूं इट वुड कॉज देम टू कंडेट इनटू लोएस्ट क्वांटम स्टेट

तो क्वांटम का मतलब वही है कि एक में ही आपका क्षमता आ जाती है दो इंफॉर्मेशन रखने की दो अपना लोकेशन रखने की जैसे आपका जीरो वन होता है अगर एक बिट का फॉर्मेशन तो क्वांटम में क्या होता है कि आपके पास तरीका होता है कि आप अपने आप को वेव फॉर्म में भी रखें और एलिमेंट फॉर्म में भी रखें तो ईच पार्टिकल ऑल्सो सर्व एज ऑफ द मैटर तो आपके पास मैटर भी है और आपके पास वेव ऑफ द मैटर भी है ये दोनों चीज आपके पास आज इसीलिए इसको क्वांटम नाम दिया जाता है द क्वांटम टेक्नोलॉजी और द क्वांटम स्टेट दिस इज दिस इज द आइडिया अबाउट बोस आइंस्टीन कन्डेंसिंग तो एक ऐसा एटम जिसको आपने बहुत कूल cool रखा है इस एटम का इंटीजर spin, इंटीजर कोई नंबर था और जब इसको कूल करते एक नया स्टेट ऑफ मैटर आता है वो नया स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तो सौ साल हुए हैं इस पे मेन्स या पीटी पे पक्का क्वेश्चन आएगा और इसको बहुत लेम भाषा में ही लिख के आना है आपको एटम है बोसोन साहब ने फोटोन की बात की आइंस्टीन साहब ने उसमें एटम पे लगा दिया उसको तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब आपका एक ऐसा एटम है जो कि बहुत ठंडे में आप जब रखेंगे तो एक अलग स्टेट ऑफ मैटर दिखाता है और यही स्टैटिस्टिक्स की बात थी तो आप उसको पढ़ना चाहते थे कि कैसा है तो आप इंटीजर स्पिन वाले आइटम ढूंढ रहे थे जहां स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता था बस इतना ही सा दिमाग में रखिए बाकी बहुत टेक्निकल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द बोस Einstein condensates होल्ड crucial इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूरियस phenomena लाइक डार्क एनर्जी तो डार्क एनर्जी को पढ़ने के लिए बड़ा काम आया क्योंकि मान लीजिए अगर कोई हमारे हमें पता है अभी नॉर्मली कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे पूरे यूनिवर्स का नाइनटी फाइव परसेंट है उसको पढ़ने के लिए हमें ऐसे कंडेंसेट्स अगर पत मिल रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि जो इतना कूल्ड है वो किस स्टेट में कहा मौजूद है द अन आइडेंटिफाइड एनर्जी थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिवर्स इज एक्सपेंशन तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर एक डार्क एनर्जी है जो फैलाने में लगी है और डार्क मैटर है जो उसको पकड़ने में लगा हुआ है तो यूनिवर्स को एक्सेलरेट करने में डार्क एनर्जी का जो हाथ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बोस आइनस काल्यूशन हैस्ट लिटल कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड इन्वायरमेंट जरा सब इनका टच होता है किसी से तो ये अपना मैटर को खो देते हैं या अपना स्टेट को खो देते हैं इसीलिए इनको बहुत संभाल के रखा जाता है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट डार्क एनर्जी पैटर्न हमारे यूनिवर्स में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों है डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है याद रखिएगा हमारे यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स को पकड़ के रखा है एज एन एडेसिव ये एडेसिव की तरह काम करता है उसको पकड़ के रखा है और ये एक्सपैंड करने में मदद कर रहा है डार्क एनर्जी इसी को पढ़ने के लिए बोस आइंसिन कंडेंसेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइए अगला देखते हैं अगला टॉपिक इज वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आइए अगला टॉपिक देखते हैं श्रीलंका विल अपहोल्ड द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स ऑफ तमिल सेस प्रेसिडेंट इंडिया नेबरहुड की बात है समझिए गौर से देखिए श्रीलंका आज से नहीं बहुत सालों से आप देखेंगे तो हमारे जो तमिलनाडु का रास्ता है श्रीलंका में भी जाता है वाया सम ब्रिज वाया ओशन एक्सेट्रा अब तो वहां श्रीलंका में क्या हुआ मेजोरिटी है सिन्हालीस की जो कि बुद्धिस्ट हैं और हमारे यहां से बहुत तमिल लोग जाके वहां पे बस गए आज से नहीं बहुत साल पहले जनरेशन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ श्रीलंका तमिलियन पॉपुलेशन है अब सिन्हला मेजोरिटी को इस बात से बहुत ऐतराज था कि तमिल वहां पे कभी भी रूल कर पाए इसीलिए तमिल के ऊपर देखा भी गया कि वहां पे आपने नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एल -E, जो आपका बनता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम तो वहां पे कुछ ऐसी भी चीजें हो रही हैं जहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है सिन्हला मेजोरिटी दबाने में लगी हुई है और तमिल अपने राइट्स के लिए लड़ रही है एलटीटी का कॉन्सेप्ट आता है एलटीटी को फिर वहां पे अब खत्म भी कर दिया जाता है प्रभाकरण जिसके लीडर थे वो खत्म भी हो जाता है अब पॉइंट इसकी लोगों का डिमांड था कि यार कम से कम राइट तो दो और राइट कैसा पॉलिटिकल राइट दो डिफेंस राइट दो सिक्योरिटी राइट दो तो एक कॉन्सेप्ट आता है थर्टींथ अमेंडमेंट का भारत सरकार ने श्रीलंका को बोला कि आप अपने यहां पे पॉलिटिकल अटोनमी दो उन राज्यों को या प्रोविंस जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं तो राज्य में इलेक्शन होते हैं तो राज्यों के पास कुछ पावर है करने का स्टेट लिस्ट है बोला आप भी करो ऐसा डेवोल्यूशन ऑफ पावर करो और डेवोल्यूशन ऑफ पावर कैसे करोगे आप उसके लिए उनको बोला थर्टींथ अमेंडमेंट लेकर आओ थर्टींथ अमेंडमेंट थर्टींथ अमेंडमेंट का मतलब है जो प्रोविंसेस है अक्रॉस श्रीलंका दे वर गिवन ग्रेटर अटोनमी आफ्टर द अमेंडमेंट कि आप इनको ज्यादा अटोनमी दो

तो हम कैसे खुश हो जाएंगे तो हमने बार बार इनको बोला कि यार कम से कम तुम अपना डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो करो नहीं तो वहां के लोग कैसे रहेंगे दे नीड पावर दे नीड एन अंडरस्टैंडिंग टू टेक केयर ऑफ अमेंडमेंट आया पर कुछ पावर दिया यहाँ पे जहां पे सिन्हला मेजोरिटी है जहां तमिल मेजोरिटी है वहां पे उन्होंने कुछ भी पावर नहीं दिया यही सबसे बड़ा विरोध का कारण है भारत का और नेबरहुड इंडिया श्रीलंका का सबसे बड़ा एक जो इरिटेंट है है वो यही आवर तो तमिल पीपल प्रोविंशियल असेंबली बननी चाहिए थी वहां पावर होना चाहिए था उनके पास कोई पावर नहीं दिया गया इलेक्शन ही नहीं कराया गया है इतने साल हो गए इलेक्शन ही नहीं कराया गया है इन एरियाज में ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारे

भारत ने वहां मदद की है श्रीलंका में और हम लोग कम से कम तेरह सौ घर अभी बना रहे हैं वहां पे अपने तमिल्स के लिए तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग तो असिस्टेंस कर रहे हैं हम लोग वहां पे भारत लंका प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पर पॉलिटिकल लाइट के बिना बहुत दिक्कत होगी वहां पे बहुत दिक्कत होगी दिस इज वॉट वी हैव बिन डिमांडिंग कि आप कम से कम पॉलिटिकल लाइट दो डेवोल्यूशन ऑफ पावर करो थर्टींथ अमेंडमेंट याद रखिएगा श्रीलंका से रिलेटेड है भारत ने प्रपोज किया था ये लाया भी है पर पॉइंट है कि ये हर प्रोविंस में नहीं लेकर आया है आइए अगला टॉपिक देखते हैं मिशन एज यूएस attacked twice देखिए रेड सी की हालत खराब चल रही है और रेड सी की हालत जो खराब चल रही है उसके पीछे जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो है बेस्ड हाउदीज की येमेन में जो हाउदीज बैठे हैं वो परेशान कर रखे हैं हाउदीज को बैकिंग मिला हुआ ईरान का आए दिन ये बम फोड़ते रहे रेड खराब कर बेचारा कैनाल परेशान चल रहा है कुछ हो ही नहीं पा रहा वहां से आइए देखते हैं अब नया क्या हुआ है नाम याद रखिएगा नाम बेस्ड क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन एम्स टू हैव द मिशन कॉल्ड एज एस्पाइट्स ग्रीक फॉर शील्ड ग्रीक फॉर शील्ड तो शील्ड का ग्रीक में कहते हैं एसपाइट्स एसपाइट्स ए एस पी आई डी एस एसपाइट्स एटलीस्ट फोर वेजल्स नाम से और हम क्या करेंगे इन लोग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं इन लोग से लड़ते हैं किससे हाउदी से बम फोड़ रहे हैं हमारे वेजल पे तो उनको रोकना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है यूएस ने भी अपना ऑलरेडी चालू कर रखा था उसका नाम है प्रोस्पेरिटी गार्जियन प्रॉस्पैरिटी गार्जियन ये नाम याद रखिएगा पेपर में आएगा प्रॉस्पैरिटी गार्जियन ये यूएस ने चालू किया था दस लोगों के साथ मिलकर भारत इसमें भी नहीं है इंडिया इज नॉट देयर इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस याद रखिएगा और एस्पाइट्स चालू किया ईयू ने EU ने चालू किया एस्पाइट्स यूएस ने चालू किया था प्रोस्पेरिटी गार्जियन और दोनों में ही खैर आपका इंडिया पार्ट नहीं है इंडिया इज नॉट अ पार्ट टू एनी ऑफ दिस और हम कर क्यों रहे ताकि रेड सी की व्यवस्था कायम रहे वहां पर चीजें सही से हो सके दुरुस्त हो सके इसलिए हम लोग कर रहे हैं आइए वाई आर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट स्कलेटिंग इन केरला ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्कलेट कर रहा है केरला में हमारा जो टॉपिक है इसमें वो स्पीशीज के तहत भी आप लिख सकते हैं या गवर्नेंस वुड बी अ बेटर प्लेस गवर्नेंस में आप लिखिए परेशान भी हो सकते हैं है कितना हुआ है आपको बता दें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ऑलमोस्ट एक हजार चार एरिया के कंफ्लिक्ट एरिया के अक्रॉस इंसिडेंट्स हुए हैं फोर्टी एट थाउजेंड इंसिडेंट है

हमारे हमारे एलिफेंट्स को वाइल्ड बोर्स को स्नेक्स को एक्सेट्रा फार्मर्स का वो भी खराब हो रहा है और आपका और आपका लगभग दिस कैटल लाइफ हैज आल्सो बीन किल्ड स्टॉक है उसको भी मार दिया जा रहा है मर जा रहे हैं वो भी जो फाइट हो रहा है उसको मर जा रहे हैं अब सवाल है आखिर इतना ज्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट केरला में हो क्यों रहा है तो समझिएगा पहली चीज एक रिलेटिवली स्मॉलर एरिया है स्टेट का

सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दॉपुलेशन ऑफ एनिमल्सिट्सू कंजर्वेशन एफर्ट्स तो आपका हो क्या रहा है एलिफेंट तो टाइगर ही जा रहे हैं है, लेके जा रहे हैं बहुत कुछ आप कर रहे हैं वहां पे अब इन सब कारण में आप जहां किसी एनिमल के हैबिटेट के इंक्रोच कर लो या तो आप इंक्रोच कर लो या आप उसके आसपास आ जाओ तो आपका रिस्क बढ़ता चला मोर नियर आर टू द टाइगर्स हैबिटैट और टू दैबिटैट ऑफ एलिफेंट योर रिस्क इज मच मोर देर बहुत बड़ा रिस्क है आपको एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेज एंड सोलर पावर फेंसेज इनको बोला गया कि ये बड़ा कारगर हो सकता है दे आर कंसिडर्ड लार्जली इफेक्टिव प्रोवाइडेड दे आर प्रॉपरली मेनटेन तो एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस बना दिए बड़े बड़े गड्ढे खोदिये उसमें से एलिफेंट्स नहीं पास करेंगे या फिर आप सोलर पावर फेंसेज लगा दीजिए बहुत जगह नहीं भी किया गया है तोड़ देते हैं इसको तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया फेंसेस का और बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन नहीं हो पा रहे कई बार तो फार्मर्स बिकॉज दे लैक दैट अवेयरनेस उनको लगता है कैटल जाके खाई गया वो कैटल को भेजते हैं वहां ग्रेजिंग करने के लिए वहाँ टाइगर बैठा रहता है एलिफेंट उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो यह सब चीजें आपकी कहीं ना कहीं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फिट को बढ़ा रही है However, तो अब मेजर्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वाइल्ड बोर्स बोर्ड के खिलाफ ही नहीं हो सकता है अब क्या हुआ केरला ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि वाइल्ड बोर को आप वर्मिन घोषित कर दें वर्मिन वर्मिन जब घोषित हो जाएगा कोई भी एनिमल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर एनी स्पीशीज एज वर्मिन और जब वर्मिन कोई चीज डिक्लेयर हो जाती है तो आपके पास पावर होता है कि आप उसको कल कर सकते मार सकते हंट कर सकते तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको वर्मिन घोषित नहीं किया है बट द डिमांड हैज देयर

आइए अगला टॉपिक है हमारा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर स्टीयरिंग द सर्विस इंडस्ट्री ह्यूमन डेवलपमेंट देखिए अब इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे आपको बस समझना है कुछ चीजों को क्या ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टर्स हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे समझिएगा ये रिपोर्ट एक उदाहरण है ये आर्टिकल एक उदाहरण है कि कैसे इंप्लॉयबिलिटी क्या होती है और क्या बन जाती है समझिएगा कुछ फैक्ट्स है आपके सामने हमारा ग्लोबल इकोनॉमी इवॉल्व कर रहा है और सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है

अनएम्प्लॉयमेंट विड बी मच मोर इफ यू डू नॉट चेंज इज बिकॉज इंप्लॉयमेंट को सोकने की जॉब जनरेट करने का पावर अब सर्विसेज में कम इंडस्ट्री में ज्यादा है पर आप इंडस्ट्री के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हो बहुत कम बहुत कम कर पा रहे हो अगर आप इंडस्ट्री में बस पच्चीस प्रतिशत जॉब दे पा रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है आपके लोग सर्विसेज सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में पड़े हुए हैं जब तक आप यहां पर नहीं लेकर आएंगे पावर और यही फॉर्मेलिज्म है अगर आप लेकर आएंगे तो यहीं पे आपका फॉर्मल फौर, जॉब्स आ जाएंगी फॉर्मल जॉब्स आते ही मतलब पैसा आ जाएगा इकॉनमी में बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो यहाँ पे हमें ध्यान देना पच्चीस परसेंट इंडस्ट्री में जॉब है उस पर ध्यान देना है तो इस आर्टिकल से बताया पता चला कि चूंकि इतना कम जॉब है यहाँ पे तो जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स भी हैं जो हार्डवेयर इंजीनियरिंग करके आए मैकेनिकल पढ़ के आए सिविल पढ़ के आए इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स पढ़ के आए वो देखे कि मेरे पास जॉब ही नहीं है पच्चीस परसेंट पर जॉब इंडस्ट्री में मैं हार्ड कोर काम क्या करूं तो उनको घसीट लिया जाता है सर्विसेज सेक्टर में सोचे पढ़कर आ रहे हैं कुछ और खींचा जा रहा है सर्विसेज सेक्टर में ये है द सर्विस सेक्टर कोनंड्रम द सर्विस सेक्टर कोनंड्रम यही सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा कोनंड्रम है जो हमारा इंप्लॉयमेंट है आज पढ़ के कुछ और करो कुछ और अकॉर्डिंग टू तो स्टैटिस्टिका ओनली फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर इंप्लायबल

ज ए रिजल्ट सर्विस आर कंज्यूमिंग इंजीनियर्स अब जो कि वैसा कोई कोर्स ही नहीं है जहां सर्विस के बारे में बताया जाए तो इंजीनियर्स ही वहां पहुंच जा रहे हैं कि बड़े सर्विस के दाते हैं हम ही पहुंच जाते हैं एंड टू सम मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएस एंट्री लेवल जॉब्स तो राधर देन फोकसिंग ऑन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एक्सिस्टिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड जॉब डिमांड प्रेसिंग नीड टू डेवलप जेनेरिक सर्विस ओरियंटेड कोर्सेस दैर कैन इक्विप स्टूडेंट्स टू ट्राइ विट कॉलर जॉब्स कहानी है कि यार अपना इंडस्ट्री का जॉब बढ़ाइए पहले कोर्स ऐसा बनाइए कि लोग इंप्लॉयबल बन सके और तीसरा आप सर्विसेज पर तो अगर बहुत फोकस करेंगे तो वहां पर सैचुरेशन आ गया सब लोग उस जॉब में नहीं जा सकते हैं ये कहानी है और ये सच्चाई है आप अपने अगल बगल देखेंगे तो आपके बहुत इंजीनियरिंग भाई होंगे जो आपको लगेंगे कहीं से कुछ पढ़ के आया कहीं से कुछ पढ़ के आ रहा है और जा रहा है कर रहा है कुछ और काम गैलेक्सी को पकड़ के रखने में डार्क मैटर कहा था बिल्कुल सही बात है और ग्रीन सॉरी डार्क एनर्जी उसको एक्सपैंड कर रहा है तो याद रखिएगा ये पूरा आर्टिकल आपको बोलता है कि हमें इंडस्ट्री पे फोकस करना है ना कि सर्विसेज पे इंडस्ट्री का जॉब बढ़ाओ दूसरा कुछ ऐसे कोर्सेज बनाओ जहां पे सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज आ सके कुछ ऐसा कोर्स बनाओ ताकि उसको लोग पढ़कर जॉब ले सके इंप्लॉयबिलिटी बढ़ सके इंप्लॉयबिलिटी बढ़ सके ऐसा हमें करना है इंप्लॉयबिलिटी बढ़ाना है यार मेन पॉइंट तो इंप्लॉयबिलिटी बढ़ाओ क्योंकि डिमांड का जॉब का जो डिमांड है वो ये चल रहा है हमारा इंप्लाइबिलिटी स्किल इतना है तो बस इतना ही मैच हो पाता है जितना आप इसको ओवरलैप करा होगा उतना अच्छा आपका जॉब हो सकता है आज के लिए बस इतना ही आपको बता दें कि आज हमसे इंडियन एक्सप्रेस नहीं हो पाया बहुत समय लग गया था और सुबह क्लास भी एक है तो हम कल से और थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी उठने का तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 50 परसेंट और छह महीने का एक्सटेंशन अभी चल रहा है टू सेवन नाइन नाइन में आपको मिल जाएगा सीएमसी कोड है जिसको आप यूज कर सकते हैं और लक्ष्य बैच हमारा फेबर साल सोलह साल हुए हिंदी माध्यम में है तो सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हैं यहां पे प्लस वी गॉट अश्योर आप निकालिए निकालिए इंटरव्यू निकालिए हम आपके साथ हैं और अगर नहीं होगा तो हम आपको रिफंड भी देंगे प्लस वी हैव द ऑल ऑप्शन हमारे साथ दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच टेक केयर जय हिंद अपना ध्यान रखिएगा पढ़ते रहिएगा और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है जो निरंतर है वही सफल है बाई टेक केयर